हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे और कुशल से होंगे। जैसे कि मेरे इस चैनल पर मैं आपसे अपनी दो हॉबीज़ जो हैं, कुकिंग और गार्डनिंग, इनके वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो इसी में मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कुकिंग में सांभर जो है, इसकी रेसिपी। तो अगर आप सांभर इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट की सांभर जो है वो भी खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे घर में बना सकते हैं। जो भी सब्जियां आपके पास इस लॉकडाउन में अवेलेबल हैं आप वो डाल के बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या सब्ज़ी हम डालें वो कंपलसरी हो कि ये डालनी ही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शनल हैं। तो आप इसे ज़रूर अपने घर पे बनाएं और फैमिली को खिलाएं। डोसा और इडली के साथ इसे बना के खिला सकते हैं और चावल के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर एक बार ही बना के ट्राई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि ये कैसे बनती है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमें अरहर की दाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अरहर की दाल को अगर आप 10 मिनट पहले भिगो लेते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। अरहर की दाल ली है मैंने एक कटोरी और इस दाल को पहले धो के और इसे हम भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसे फूलने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी मुलायम हो जाए। तो ये मैंने ले ली है। अब इसको धो के और पानी डाल के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक कुकर में हम तड़का लगाने के लिए और सांभर बनाने के लिए मैंने कुकर गैस पे रख लिया है, गरम कर लिया है। इसमें आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल डाल के इसे गरम होने तक वेट कीजिए। जैसे ये गरम हो जाए इसमें हमें तड़का लगाना है राई और लाल मिर्च का। तो ये हमने थोड़ी सी राई ले ली है। आपके पास राई ना हो तो आप सरसों भी ले सकते हैं। ये साबुत लाल मिर्च है, इसको मैंने तोड़ लिया है ताकि ये अगर साबुत रहती है तो चटकती है, उछलती है, तो ये उछले नहीं। इसके लिए आप इसे तोड़ के डालिए। तो मैंने इसे तोड़ लिया है। 3 साबुत लाल मिर्च है, उनके टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब तेल गरम हो चुका है और गरम होने के बाद इसमें हम इसे छोंक देंगे और जब तक राई तड़क रही है इसे तड़कने देंगे। और उसके बाद जो हमारी दाल है उसका पानी निकाल के वो भीगी हुई दाल सिर्फ इसमें हम अभी डालेंगे, पानी नहीं डालना है अभी। और 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चलाना है, थोड़ा सा भून लेना है मतलब। और भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये हमारी दाल भून चुकी है और अब इसमें 2 गिलास के आसपास मैं पानी डाल रही हूँ। तो आप पानी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा पानी अगर होता है तो ऐड करा जा सकता है। तो अभी मैंने 2 गिलास पानी इसमें डाल दिए हैं। दाल के ऊपर अच्छे से पानी तैर रहा है। इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालेंगे। तो ये हमारी दाल जो है इसमें अब मैं स्वाद अनुसार नमक और हल्दी जो है वो ऐड कर रही हूँ। हल्दी मैंने इसमें 1/2 चम्मच ली है और नमक 1.5 चम्मच डाला है। तो ये डाल के, ये देखिए 1/2 चम्मच हल्दी इसमें डाल देते हैं और 1.5 चम्मच नमक में डाल चुकी हूँ। तो ये डाल के हम इसको गैस कुकर बंद करके और 1 सीटी लगाएंगे। तो 1 सीटी जो है फुल गैस के ऊपर हमें लगानी है और तब तक इसको हम साइड में पकने देते हैं और इसकी आगे की तैयारी करते हैं। तो इसमें 1 सीटी लग जाए इतना आपको ध्यान रखना है, फुल गैस आपको ऑन रखनी है। तो अब इसके लिए हमें चाहिएगी इमली। तो हम इमली जो है इसका छोटा सा टुकड़ा लेके इसको पानी में पहले से ही भिगो देते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है बैंगन। बैंगन इसमें बहुत अच्छा रहता है। ये घिया लिया है, बारीक काट लिया है। तो आप 1 कटोरी घिया ले सकते हैं, 1 कटोरी बैंगन। और ये 2 प्याज लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च लिए हैं मैंने, प्याज को बारीक काट लिया है। और ये 3 टमाटर हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। इसमें मैं सांभर मसाला जो है एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बट एवरेस्ट जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैंने यूज़ करके देखा है। और अब ये कुकर में हमारा जो है 1 सीटी आ चुकी है, तो हम सारी सब्जियाँ इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, घिया, बैंगन, और आप इसमें भिंडी या आपके पास बीन्स कुछ भी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं थे तो जो मेरे पास पॉसिबल है मैंने वो सब इसमें डाल दिए हैं। तो ये ऑप्शनल है, सब्जियां आप इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, पर बैंगन ज़रूर ऐड कीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बैंगन के बिना सांभर अधूरी है, बैंगन आप ज़रूर डालिए। मैंने 4 चम्मच जो है सांभर मसाला इसमें लिया है। आप ये कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट 4 चम्मच इसमें सफिशियंट है। तो मैंने 4 चम्मच इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम फिर कुकर को बंद करके और इसको गैस पे अभी सीटी आने देते हैं। तो इसमें जब तक 2 सीटी आएंगी तब तक इमली जो है इसको हम मैश कर लेते हैं, क्योंकि अब इमली की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका पानी रेडी हो चुका है, इस पानी को हमें छान लेना है। तो किसी बर्तन में इस इमली के पानी को हम छान लेंगे और छानने के बाद में अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो ये पूरा पानी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इस पानी को थोड़ा बचा सकते हैं और बचा के आप इसकी दोबारा यूज़ कर सकते हैं चटनी वगैरह बनाने में, जो सौंठ बनती है उसमें भी ये इस्तेमाल हो जाता है। तो ये पूरा पानी जो है मैं इसमें डाल दूंगी और इस पानी के हिसाब से ये छोटा सा जो पीस हमने लिया था वो सही था। तो अब देखिए इसके
जो है दो सीटी आ चुकी हैं और अभी इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए रंग बहुत ही अच्छा आया है, हमारी सांभर बहुत अच्छा लुक दे रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें पानी जो है वो भी अभी ठीक है। अगर आपका ये पानी जो है ये सोख कर चुकी हो, गाढ़ी हो, तो इसमें थोड़ा पानी इस टाइम पे आप ऐड करके और इसको पतला कर सकते हैं। और इसमें हमने इमली का पानी जो है वो डाल दिया है और इसको 10 मिनट के लिए हम अभी ढक्कन खोल के ही पकने देंगे। कुकर का आप ढक्कन नहीं लगाना है, अब इसे खुले ढक्कन में ही पकने देना है, खुले कुकर में सॉरी। और अब इसके तड़के की हम तैयारी करते हैं। तो मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसके ऊपर जो तड़का लगेगा उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कड़ी पत्ते की, लाल मिर्च, साबुत और राई। तो इन सबको हमने ले लिया है और अभी जब पैन में तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम इसे डाल देंगे और तड़कने तक इसे ऑन रहने देंगे गैस को। उसके बाद गैस बंद करके और इस पैन को हम अपनी सांभर जो है उसके अंदर छौंकेंगे। तो ये सांभर हमारी रेडी हो चुकी है, इसके अंदर ये तड़का है ये हम लगा देते हैं। बिना तड़के सांभर अधूरी होती है, तो तड़का ज़रूर लगाएं आप और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर कड़ी पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले कोई बात नहीं, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब इसे 5-7 मिनट के लिए पकने के बाद हम उतार लेते हैं। ये रेडी हो चुकी है हमारी सांभर और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने इसे टेस्ट किया है फ्रेंड्स, रियली ये रेस्टोरेंट की सांभर से भी बहुत अच्छी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। इसके लिए अगर आप डोसा चाहते हैं तो मैं डोसे की रेसिपी शेयर कर दूंगी, और नहीं तो इडली, तो आप इसके साथ इसे बना के खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आज का अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।